हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और आज मैं आपको रिव्यू दूंगा इस फ्री सोलो के ब्लूटूथ ईयरफोन का, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग कुछ महीने पहले, 6 महीने करीब हो गए किए हुए। और उसमें मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आपको इसका रिव्यू दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया और उसकी बहुत सारी वजहें थी। हालांकि मैं थोड़ा सा लेजी भी हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अभी पहले आपको यही बता देना चाहता हूँ कि ये काम करना बंद कर चुका है। तो आइए इसका पूरा रिव्यू करते हैं। तो पहले मैं इसके डिजाइन की बात करता हूँ। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, क्योंकि ये फिटनेस एक्टिविटीज के लिए है, जिम में पहनने के लिए या दौड़ने वगैरह के, दौड़ते समय पहनने के लिए। और उसके लिए ये डिजाइन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें हुक्स लगे हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, और अगर वो ठीक होती तो ये काफी अच्छा होता डिजाइन, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कि ये जो पार्ट आपके कान में जाता है, ये ईयरबड्स, ये थोड़े छोटे थे। हालांकि ये बाहरी ईयरबड्स जो रबड़ है, ये कई साइज में मिले हुए थे लगाने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कुछ मिलीमीटर होना चाहिए था ये पार्ट। और थोड़ा सा जर्किंग मूवमेंट होने पे दौड़ते उड़ते समय ये कान में से निकल जाता था। हालांकि ये गिरता नहीं था नीचे, क्योंकि ये हुक्स लगे हुए हैं, ये आपके कान में अटक जाता था, बार बार मुझे अंदर डालना पड़ता था। और इसके अलावा इसमें फ्लैट वायर्स भी हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मल वायर्स और फ्लैट वायर्स में कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खासकर जो फिटनेस एक्टिविटीज के लिए अगर खरीदे मैंने हेडफोन्स। तो अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। तो पहले बात करते हैं पेयरिंग की, क्योंकि पहला काम आप जब कोई ब्लूटूथ हेडसेट लेते हैं तो पहले पेयर ही करते हैं। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कई स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के साथ भी अपने पेयर किया और ये बहुत आसानी से पेयर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो इसमें 3 बटन्स हैं, और जैसा कि अक्सर ही होता है ब्लूटूथ हेडफोन्स में, अगर 3 बटन्स हैं तो ये मिडिल बटन जो बीच वाली होती है, ये आपको पावर ऑन, पावर ऑफ, म्यूजिक प्ले और पॉज करने के लिए, इसके अलावा कॉल्स रिसीव करने के लिए और कॉल्स काटने के लिए होती हैं। और बाकी जो 2 बटन्स हैं वो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, इसमें निशान बने भी हुए हैं प्लस और माइनस के, तो इसके वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो प्लेलिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए भी ये बटन्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें ये बटन्स बहुत अच्छे से काम करते। कभी कभी म्यूजिक सुनते समय वॉल्यूम बटन्स काम करना बंद कर देती थी, लेकिन बाकी सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्स वगैरह रिसीव करने में कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। और अभी जब बात चल ही रही है फंक्शनैलिटी की, तो इसमें माइक भी है, और कॉल्स के समय, कॉल्स करते समय वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, बहुत क्लियर आवाज़ जाती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, अब मेन इसके पर्पज़ की बात करते हैं, इसके साउंड की। तो साउंड इसका काफ़ी फ्लैट था, और बहुत ज़्यादा बेस नहीं था इसमें। हाई फ्रिक्वेंसीज ठीक थी, लेकिन बेस जो है बहुत अच्छा नहीं था। और इसके स्पेक्स में, जो स्पेक लिस्ट होती है, स्पेसिफिकेशन लिस्ट इसके बॉक्स पे, उस पे 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज लिखी हुई है, लेकिन ये इतना नीचे नहीं, या 20 हर्ट्ज़ तक नहीं जाता, क्योंकि इसमें बेस बहुत अच्छा नहीं है। और कोई मुझे साउंड इश्यू इसमें नज़र नहीं आया, केवल वही बेस अच्छा नहीं। हालांकि ज़्यादातर जो फिटनेस के लिए हेडफोन्स बने होते हैं फिटनेस पर्पज़ के लिए, उसमें बेस बहुत अच्छा होता नहीं, खासकर लो रेंज वाले हेडफोन्स में। ओके, अब बैटरी की बात करते हैं। तो फुल चार्ज बैटरी जो इसकी है वो करीब 5-6 घंटे चल जाती थी, और ये इस प्राइस रेंज के हेडफोन के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें 2 घंटे में आपको चार्ज होती थी बैटरी इसमें, और इसके लिए माइक्रो यूएसबी केबल का यूज़ करना पड़ता था। हालांकि मैं माइक्रो यूएसबी केबल्स का बहुत फ़ैन नहीं हूँ, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर डिवाइसेस में टाइप सी यूज होना चाहिए, टाइप सी पोर्ट, लेकिन फिर भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट अभी काफ़ी पॉपुलर है। और वैसे भी ये चीप हेडफोन था, मुझे बहुत उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें ज़्यादा कंप्लेंट नहीं थी। तो अब आप कहेंगे सब कुछ ठीक ही था, तो इसमें दिक्कत क्या हुई? तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब तक ये काम किया तब तक, क्योंकि इसे मैंने अक्टूबर के लास्ट वीक में यूज करना शुरू किया पिछले साल, और दिसंबर आते आते, जब दिसंबर के बीच में, आप समझ लीजिए 15 दिसंबर के आसपास, इसकी जो है क्लिप टूट गई, जो क्लिप लगी थी फंसाने के लिए वो टूट गई। लेकिन मेरे पास स्पेयर क्लिप थी, एक पड़ी हुई थी, दूसरा हेडफोन ख़राब पड़ा हुआ था उसमें क्लिप थी, उसे मैंने लगा दिया और फिट हो गई। मैंने कहा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, ये साउंड तो आ रहा है। लेकिन कुछ ही दिन बाद इसका जो राइट साइड वाला ईयरबड है वो काम करना बंद कर दिया, उसमें साउंड नहीं आ रहा था, और लेफ्ट साइड वाला जो है उसमें क्रैक पड़ गया एक हल्का सा। और मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया इस पे, मतलब कोई हैवी चीज़ नहीं रखी कि वो टूट जाए, लेकिन फिर भी उसमें क्रैक एक दिन अचानक दिखने लगा। इसके बाद मैंने बस वेट करना चालू कर दिया कि
अब देखिए देखना है ये कब काम करना बंद करता है, क्योंकि राइट साइड वाला काम करना बंद कर चुका था और लेफ्ट साइड वाला टूट चुका था, जब उसमें क्रैक आ गया तो जरूर ही वो जल्द ही काम करना बंद कर देगा। और किसी तरह मैं इसे यूज करता रहा और जब 15 जनवरी के आसपास वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया ये हेडफोन। और हालांकि ये जो माइक और इसमें कंट्रोल्स थे ये लास्ट तक काम करते रहे बिल्कुल ठीक, और जब तक साउंड आता रहा तब तक ठीक काम करते रहे। तो ये 799 रुपये का हेडफोन 3 महीने भी नहीं चला। और मेरे ख्याल मेरे समझ से जो मुझे लगा ये चीप प्लास्टिक की वजह से और इस डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ आप चीप आप अच्छा प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते उतना अच्छा ग्रेड का, क्योंकि ये चीप प्राइस का हेडफोन है, बहुत फाइन चीज़ें इसमें आप नहीं यूज कर सकते, तो आपको ये डिज़ाइन नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फिर ये लो बजट हेडफोन नहीं रह जाएगा। अगर आपको साल भर में 4 हेडफोन्स का, अगर आपको 3 महीने एक हेडफोन नहीं चल रहा है तो आपको साल भर यूज करने के लिए 4 बार इसे 4 हेडफोन्स खरीदने पड़ेंगे और उसमें आपको 3200 रुपये लगेंगे, तो ये चीप बिल्कुल नहीं रहा। अगर आप 2000 रुपये भी एक वायरलेस हेडफोन पे अच्छे हेडफोन पे खर्च करते हैं जो 2000 रुपये में ठीक ठाक वायरलेस हेडफोन आ जाएगा तो आपको कम से कम 2 साल चलेगा, तो ये चीप बिल्कुल नहीं रह जाता उस हिसाब से। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये हेडफोन मत खरीदिए, और अगर आप जो है फिर भी इसे खरीदना ही चाहते हैं किसी वजह से तो मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं, उससे थोड़ी मदद भी होगी मेरी। इसके अलावा मैंने एक और ब्लूटूथ हेडफोन की अनबॉक्सिंग आपको जल्दी दी है, जल्द में वो काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, उसका मैं रिव्यू आपको दूंगा, लेकिन आपको मैं उसका लिंक कार्ड में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो कि आपको आया ही होगा ऑफ कोर्स, तो आप जाके लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको किसी वजह से नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक करने जा रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा क्यों आपको नहीं पसंद आया और क्या आप चाहते हैं कि मैं सुधार करूं इसमें। और सबसे जरूरी चीज सब्सक्राइब और बेल आइकॉन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।